वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। अलग अलग आंदोलन, दिल्ली में हिंसा और कोरोना महामारी के कारण ठंडे बस्ते में पड़े नागरिकता कानून मतलब CAA को लागू करने के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बयान दिया है। शाह ने तय कर दिया है कि CAA को कब से लागू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता शुभोंद्र अधिकारी से मुलाकात के दौरान उनसे शाह ने CAA लागू करने के बारे में बात की। शुभोंद्र के मुताबिक शाह ने कहा है कि कोरोना के टीके लगने के काम पूरा होने के बाद जो भी CAA के नियम यहाँ पर बनाकर इसे लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि CAA को 2019 में संसद ने पास किया था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। इस कानून को लागू करने की राह में तमाम अड़चनें एक के बाद एक आती रहीं। पहले कानून के खिलाफ लंबे समय तक आंदोलन चला। इस आंदोलन के दौरान दिल्ली में हिंसा भी हुई। इसके बाद कोरोना आ गया, फिर किसान आंदोलन की वजह से CAA लागू नहीं हो सका। माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय इसे इस साल के अंत में लागू करने का ऐलान कर देगी। किसी भी कानून के तहत नियम तैयार करने यहाँ पर होने से पहले पूरी तरीके से तैयारी भी कर चुकी है। इस कानून के लिए अभी नियम भी तैयार नहीं हुए। कई बार संसद से गृह मंत्रालय ने CAA लागू करने की यहाँ पर समय सीमा बढ़ाने की भी मंजूरी दी है। इस कानून के तहत साल 2014 को कट ऑफ मानते हुए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, बुद्ध, जैन और ईसाई समुदाय के पीड़ित लोगों को भारत की नागरिकता देने की बात है। इस नागरिकता कानून के अलावा पहले से जारी नागरिकता कानून के तहत भी विदेशियों को नागरिकता मिलती रही है। CAA के खिलाफ यह आरोप लगाकर आंदोलन हुआ था कि इसमें मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने का यहाँ पर प्रावधान है। आंदोलन के दौरान तत्कालीन अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी दिल्ली आए थे। उस दौरान हिंसा हुई थी जिसमें कई लोगों की जान भी गई थी। मोदी सरकार ने हालांकि इस मामले में कदम पीछे नहीं खींचे हैं और गृह मंत्रालय के इस बयान से अब एक बात तो साफ हो गई है कि जल्दी ही CAA जरूर लागू हो जाएगा। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।